सब लोग। अभी इंडियन हिस्ट्री के बाद जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर आपको एक बात पता चलेगी कि 13वीं सदी के आसपास धर्म युद्ध हुआ है। जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हमने तो यूरोप में ज्यादातर एशिया वाले हिस्से में ज्यादातर इस्लाम धर्म आ गया है और यूरोप वाले हिस्से में आ गया है ईसाई, हाँ है ना। और ईसाई धर्म में कुरुति ने भी जन्म ले लिया है, वो है पादरियों की चलती, यानी ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाना। तो उस समय क्या था, पादरियों ने आदेश जारी किया कि कोई समुद्र पार नहीं जाएगा, लेकिन बाद में जब धर्म युद्ध हो गया, इसके बाद पुनर्जागरण आ गया, तो सारी दुनिया में पुनर्जागरण आ गया और अब ये मान लोगों को बाइबल पता चल गई, कुरान पता चल गई, रामायण पता चल गई और अब ये माना जाने लगा कि पादरी वगैरह उतना महत्व नहीं होते, ईश्वर बात अलग है और इनकी बात मानना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। अतः क्या हुआ कि लोग समुद्री यात्राओं पर निकल पड़े और जब समुद्री यात्राओं पर निकले तो नए नए देशों की खोज हुई, नए नए देशों की। हम आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाएंगे कि यहां पर ये एशिया है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये उत्तर अमेरिका है, ये हाँ या ना, यहां पर ऑस्ट्रेलिया है। अब यूरोप में जितने देश थे यहां पर इटली है, सुन रहे हो क्या कहा हमने। अब ये जो इटली था यहां एशिया में, एशिया और अफ्रीका वाला एरिया इस्लाम का था और यहां पर था ईसाइयों का। जब इनमें युद्ध हुआ तो यहां से आवागमन हुआ इटली से, कहां से, इटली के बाद में यहां कहीं आपको ब्रिटेन मिलेगा, यहां पुर्तगाल मिलेगा, यहां स्वीडिश मिलेगा, वहीं डच मिलेगा। तो यहां ये जो देश है ये रास्ते में पड़ते थे, दोनों धर्मों के लोग लड़े, इन्होंने यहां से लोग यहां से गए, यहां से गए, तो यहां पर इटली पीछे पड़ने के कारण इन दोनों की बातों को सुना। तो सबसे पहली बात दुनिया में जो अनुभव आता है तो इटली की जनता में सबसे पहले ये अनुभव आया कि भैया ये लड़ाई वगैरह कुछ नहीं है, धर्म वगैरह कुछ नहीं है, एक्चुअली ये मूर्खता का दूसरा परिचय है, ये दोनों लग रहे हैं। इसलिए दुनिया में सबसे पहले पुनर्जागरण कहा आया, इटली कहा आया और इटली से शुरुआत सारी दुनिया में पुनर्जागरण छा गया। अरे क्लियर है, और जितने ये बनिया देश थे यहां पर इटली हो गया, इंग्लैंड हो गया, स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, इनके पास इनने व्यापार किया, जहाजें बेची, हथियार बेचे, खाना पीना बेचा, सुन रहे हो, लड़ने वालों ने खरीदा और इनने बिजनेस किया। जब इनने बिजनेस किया तो इनके पास पैसा बहुत आ गया, पैसा आ गया, ये डेवलप हो गए। लेकिन अब इन्हें पैसा कमाने की क्या बढ़ गई, आदत, क्या बढ़ गई, अब जब इन्हें पैसे बनाने की आदत बढ़ गई तो अब इन कंपनियों ने क्या किया, अपनी अपनी कंपनियां बनाई, कुछ व्यापारी इकट्ठे हुए, कंपनियां बनाई, कुछ गए यहां अमेरिका, वहां पर व्यापार किया, व्यापार करते करते कब्जा ठोक दिया, समझ में आ रही यार, कुछ करोड़ मेरा देखो, यह इंग्लैंड छोटा सा देश, इसने व्यापार में इतनी निपुणता हासिल कर ली कि दुनिया के लगभग दो तिहाई भाग पर कंपनियां बना बना करके उसके लोग जाने लगे और अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, एशिया के कई देश यहां व्यापार करने के नाम से आए। अब आए पूरे बनिया देश, कौन, इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल, सुन रहे हो, लेकिन ज्यादातर सक्सेस हो गए। अंग्रेजों की कूटनीति बड़ी खतरनाक थी, इसलिए वो कहा हो गए सक्सेस, छोटा सा देश और आधे से ज्यादा लगभग आधी पृथ्वी पर कब्जा ठोक दिया, समझ में आ रही बात। और ऐसे ही एक कंपनी है, यही सारे लोग कहा है, भारत, एशिया में कहा, सुन रहे हो, भारत। अब एक पुर्तगाली नाव से निकला ढूंढने के लिए, उसे अचानक भारत मिल गया, वो यहां से कुछ मसाले लेकर के गया,
उसके 60 गुना ज्यादा में बिकी अपने देश में। उसने अपने गांव के लोगों को बताया, गांव देश के लोगों को, कि भैया भारत में तो मसाले इतने महंगे हैं, तो मतलब इतने सस्ते हैं, वो अपने यहाँ के 60 गुना पैसा बढ़ाओ। पुर्तगालियों को चसक लग गई, उन्होंने कहा चलो तो फिर चलते हैं। पुर्तगाली आए तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए, उनने व्यापार करना शुरू किया, उनने रणनीति बनाई कि एक काम करो, जहां जहां जिन जिलों में आप कब्जा ठोक सकते हो कब्जा ठोक लो। जबकि पुर्तगाली आए तो धीरे धीरे अंग्रेज भी आ गए, फ्रांसीसी भी आ गए, सब आ गए। समझ में आ गई बात? लेकिन ज्यादा सक्सेस कौन हो गए? कौन हो गए? हाँ, क्लियर है। पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए और सबसे अंत में गए। लेकिन सफल कौन हो गए? तो ये कहानी हमने आपको इसलिए बताई, केवल भारत नहीं, दुनिया के आधे से ज्यादा देशों पर इन सारी कंपनियों ने कब्जा करने का प्रयास किया। फिर एक नया दौर आ गया। इतना छोटा सा देश इतना चतुर है, दूसरे देश जाता है व्यापार करने, वहीं के लोगों को अपना गुलाम बनाता है, वहीं के लोगों को नौकर बनाता है, वहीं की सेना भर्ती करता है और उन्हीं की सेना से उन्हीं के लोगों से लड़ता है। सोचो आप, इतना ब्रेन माइंडेड। और अपन कहते हैं अपन विश्व गुरु है, गुरु तो जो लोग हैं। सच बात है। अब तुम कहोगे जैसा वैसा कह रहे हो, तुम देश लो, अपन का ही नहीं कब्जा करने गए, खुदाई की जमीन नहीं बचा पाए, अफगानिस्तान तक थे, हर जगह तक थे, समेटते गए समेटते गए समेटते गए। और इनको देखो जो छोटे छोटे देश वाले धरती में लूट लाट लगाए, और इनके छोटे से राजा पूरी भारत के राजा, अफ्रीका के राजा कहलाने लगे, अमेरिका के राजा कहलाने लगे, विक्टोरिया, अब इनके महाराज विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया। तो तुम्हें यहां विक्टोरिया झील मिल जाएगी, यहां मिल जाएगी, यहां मिल जाएगी, जहां चाहे तुम्हें विक्टोरिया झील मिल जाएगी। कारण कब्जा किनका था? समझ में आ रही है? तो उनने अपने बॉस के नाम पे जहां चाहे का नाम रख दिया विक्टोरिया। समझ में आ रही है? तो ये स्थिति थी एक्चुअली। तो देखो इतिहास पहले सकाल चरवाहे नहीं आए थे, पल्लव कुशाण कौन थे? चरवाहे नहीं थे, उनने हम पर राज किया। उसके पहले वो पहले सिकंदर आया था, नहीं आया था क्या? नहीं आया था। सिकंदर आया, ईरान के आए, सिकंदर आया, फिर सक आए, पल्लव आए, कुशाण आए, उनने तरीके से हमें पूछा, नहीं पूछता, गैया चराने आए, बोले राज और कर लो, राजा बन गए, प्रतापी राजा बन गए सर, और हम प्रतापी कुटेरा बन गए, बड़े प्रताप से कुटे, और फिर आगे बढ़े, फिर और आगे बढ़ते गए। फिर उसके बाद में फिर मोहम्मद बिन कासिम, अरे कहां मुगल, तो और दो तीन कुटे वाले हैं, मोहम्मद बिन कासिम है, फिर महमूद गजनवी है, फिर मोहम्मद गौरी है, हाया ना, फिर जाकर के दिल्ली सल्तनत है, नहीं है। फिर बाबर आएगा, नहीं आएगा, फिर कौन आएंगे? अंग्रेज आएंगे, तो अंग्रेजों की और भी कंपनी आएंगी। तो अपन मतलब प्रोफेशनली कुटेरा, एकदम अपन को आदत है, अपन इकट्ठे मिलकर कभी नहीं रहे। इतिहास गवाह है, हम कभी मिलकर नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हम पटेल भी हैं तो आधे, कुर्मी हैं आधे, काशी हैं नहीं है। अगर हम ठाकुर भी हैं तो 108 प्रकार के हैं, हम ब्राह्मण भी हैं तो 1740 ब्राह्मण हैं, आधे सरजू भारी हैं, आधे कानकुब जो हैं। तो इसलिए अपन लोग जो हैं, अब आगे कहानी बढ़ाते हैं। बोले हम साहू हैं, लेकिन वे कौन से साहू आए? हम आए में कि नहीं, हम लोग हैं, हम राठौर वाले हैं, वो पता नहीं कौन वाले हैं। कहां बनना था? बन गए यूरोपीय कंपनियों का आगमन। हाँ, अब देखो जरा, अब
देखे देखे जहाज से आ रहे हैं, है ना। अब जहाज से आ गए हैं तो बढ़िया उनका स्वागत हुआ है, ठीक है। फिर ये यहां से लेके क्या मसाले, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी इसकी बहुत सारी जानकारी आपको वर्ल्ड हिस्ट्री मिलेगी, एक दूसरे से रिलेटेड चीज नहीं है। जो नाराज हो देखें, वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की खोज की, स्पेनी यात्री कोलंबस ने ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने और हॉलैंड के तस्मान ने वॉन डीमस लैंड तथा न्यूजीलैंड की खोज की। तो ये समुद्र यात्रा पर निकले, जब पुनर्जागरण काल आ गया, नहीं तो पहले दो लोग बनाए थे, आप समुद्र पार नहीं जाएंगे, नहीं तो ईश्वर गुस्सा हो जाएगा। समझ में आ रही बात? लेकिन जब पुनर्जागरण आ गए लोग समझ गए कि नहीं इनको बाजी में रखो, तो लोग अपनी यात्राओं पर निकलने लगे। यात्राओं पर निकले वास्को डी गामा ने कहा कि खोज कर लू, हाँ ना, हुआ सब उल्टा पुल्टा है। ये निकला था अमेरिका की खोज में, मिल गया भारत, सुन रहे हो। तो इन्हें पता नहीं था कि हम जा कहा रहे हैं, लेकिन जब इन्हें तट मिला पता चला, सुन रहे हो, ये जो हमें ये कोलंबस, ये इंडिया की खोज में निकला था, इसे मिल गया क्या? जैसे अमेरिका मिला तो सब इसमें इंडिया मिल गया है, तो लोगों को किसने लगा ये इंडियन है, रेड इंडियन, तो इसने वहां के लोगों को रेड इंडियन कहा। लेकिन बाद में पता चला ये तो कहा है, हाया ना। तो कैप्टन कुक ने कहा कि खोज कर ली, सुनाई नहीं दिया, अरे क्लियर है। और तुम्हें तस्मान जल संधि बनी है मन में, जब आप पढ़ेंगे जो ज्योग्राफी बनेंगे वहां तस्मान जल संधि आएगी। तो ये हॉलैंड के तस्मान ने, ये इस व्यक्ति चूंकि इसने यात्रा करी थी वहां से, तो उसके नाम पर तस्मान जल संधि आई है। इसने कहा न्यूजीलैंड नीचे साइड, सुन रहे हो, आप वहां पढ़ेंगे तस्मान सागर, नहीं बना है, अरे क्लियर है। चलो खोज हो गई, अब जब खोज हो गई तो यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन, अब एक्चुअली वे गए तो पूरी दुनिया में, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं इंडियन हिस्ट्री, क्या पढ़ रहे हैं। दो दिन हम बहुत स्लो लेकर चलेंगे ताकि आपको पृष्ठभूमि समझ में आ जाए, दो दिन हम जल्दबाजी में नहीं पढ़ाएंगे आपको, ताकि आपका नक्शा दिमाग में क्लियर हो जाए। ये केवल हिस्ट्री नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जीके है जो आपसे एग्जाम में पूछा ही जाता है। चलिए अब क्या हुआ, पहले कौन आए, फिर हे, अरे क्लियर है। और चूंकि ये इंडिया आए थे तो सबने अपनी कंपनी का नाम रखा इंडियन कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, नाम क्या रखा, क्योंकि इंडिया कहां है, पूरब में, कहां है। तो जब ये कंपनियां पूरब की ओर जाती तो अपना नाम रख लेती ईस्ट वेस्ट साउथ, जहां भी जाती तो उस दिशा के अनुसार नाम रख लेती। तो एक इनकी भी ईस्ट इंडिया कंपनी आई, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी, हाँ या ना। लेकिन फाइनली सक्सेस कौन हो गई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनली कौन सक्सेस हो गई। तो इनका क्रम याद रहेगा, पहले कौन आया, कौन आया, पहले पुर्तगाली आए, फिर कौन आए, कौन आए, ओके, फिर कौन, फिर क्लियर है। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए हैं, कौन आए हैं, ओके, तो सबसे अंत में कौन गए हैं, पुर्तगाली, पक्का, आए भी अंत सबसे पहले हैं और सबसे लास्ट में भारत छोड़ा है, कौन है, अरे क्लियर है। अच्छा जब ये लोग आए उस समय भारत में मुगलों का शासन था, कौन का, पहले जो आए, फिर इनने मुगल शासकों से परमिशन ली कि हमें व्यापार करना है, कुछ ने पर अकबर तक इनको ज्यादा परमिशन नहीं मिली, जहांगीर के समय इन लोगों को परमिशन मिलने लगी, ये व्यापार करने लगे, आने वाले समय में ये कब्जा ठोकने लगे। समझ में आ रही बात, अलग अलग लोगों ने अलग अलग एरिया को अपना टारगेट बनाया। अच्छा ज्यादातर आपको इनके टारगेट मिलेंगे समुद्र किनारे, कहां मिलेंगे, अब समुद्र किनारे मिलने का कारण क्या है, जैसे आप देखें समुद्र किनारे गुजरात है, समुद्र किनारे बंगाल है,
हाँ समुद्र किनारे केरल है नहीं है, अरे है। इनका मेन रीजन ये है कि उस समय हवाई जहाज तो चलते नहीं थे, आदमी के साथ से आते थे पानी के जहाज से, कहा से पानी के जहाज से आते थे। सो कोई बंगाल साइड से आ रहा है, देखे ना मेरा, ये देखो ये भारत का निचला हिस्सा, ये गुजरात और यहां ये, यहां बंगाल की खाड़ी, यहां बंगाल है, यहां पर गुजरात है, यहां पर केरल है। तो आदमी यहां आएगा या यहां आएगा या यहां आएगा, अलग अलग टारगेट बनाएगा। इसलिए ज्यादातर आपने कर्नाटक के नाम सुने होंगे, केरल के नाम सुने होंगे, आपने पश्चिम बंगाल का नाम सुना होगा, हुगली। फिर बाद में जब अंग्रेज आ गए तो अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति था जॉर्ज चॉर्नॉक, इसने कलकत्ता शहर बसाया था। समझ में आ रही यार, यानी उस समय कलकत्ता नहीं था, अंग्रेजों के पहले कलकत्ता नहीं था, उस समय था हुगली। गंगा नदी के किनारे एक नगर हुआ करता था हुगली, क्या हुआ करता था, ओके। यहां से आए तो यहां सीरत, सुन रहे हो, यहां मालाबार तट है, कहीं मछलीपट्टनम है। तो इनको इन लोगों ने टारगेट, किसी ने बंगाल को टारगेट बनाया, किसी ने सूरत को टारगेट बनाया, किसी ने मछलीपट्टनम को टारगेट बनाया, और इस तरीके से जितने समुद्री वाले रास्ते थे इन पर टारगेट बनाए गए। समझ में आ रही यार, सबसे ज्यादा मूल बना करके आए थे फ्रांसीसी, सॉरी पुर्तगाली। मकसद बनाकर ही आए थे कि हमें भारत पर कब्जा करना है। लेकिन इनमें एक कमी थी, ये पूर्णतः ईसाई थे और ये हर बार अपने यहां देश से ऑर्डर लेते थे, पादरी थे, और इन्हीं में ईसाई देश से आए थे ब्रिटिश। लेकिन इन दोनों में एक अंतर था, अंतर यह था कि पुनर्जागरण काल के कारण ब्रिटेन वाले जागरूक थे और यही के यही गवर्नर इनका निर्णय ले लेते थे। अब तो इन्हें निर्णय लेने में कम समय लगता था पुर्तगालियों को निर्णय लेने में, जबकि स्ट्रॉन्ग नीतियां, जितनी नीति अंग्रेजों ने अपनाई है वो ज्यादातर नीतियां पुर्तगालियों ने बनाई। हड़प नीति ले लो, विलय नीति ले लो, हस्तक्षेप नीति ले लो, सुन रहे हो, ये सारी प्लानिंग लेकर आए थे पुर्तगाली। पुर्तगाली मकसद बनाकर आए थे कि अपन भारत जाएंगे, फिर भारत में अपन राजाओं से मिलेंगे, दो राजा लड़ेंगे तो अपन एक राजा का साथ देंगे, फिर अपन क्या करेंगे, एक राजा को हरा देंगे, फिर अपन सारे राजाओं से कहेंगे कि हमारी सेना रखो उसके बदले में हमें पैसे। सारे भारत में हमारी सेना इस राजा के पास, इस राजा के पास, इस राजा के, सारे राजाओं के पास हमारे आदमी हो जाएंगे, उनके अपने सैनिक खत्म। सैनिक कौन गए, आए ना, फिर हम एक दिन ऑर्डर जारी करेंगे सारी सेना से कि अपना कब्जा ठोक दो। सो फाइनली भारत पर इनने सारे प्लान बनाए, अंग्रेजों ने इनके प्लान भाप लिए और एग्जीक्यूट करने करती है अंग्रेज कौन है, जो इनसे दो कदम आगे बढ़ करने के लिए प्लान तुम्हारा है लेकिन चलाएंगे हम, ओके। ठीक है, तो आगे कहानी बढ़ती है। भारत में विदेशी कंपनी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका अपने देश में नाम एस्ताबेबा इंडिया, कहां से आई पुर्तगाल, कहा कालीकट, क्योंकि पहला पुर्तगाली जो था वास्को डी गामा वो कालीकट बंदर वहां पर उतरा था, कहां उतरा था, तो उसने रास्ता कहां का बताया, कालीकट का, कहां का, हाँ या ना, तो ये कहां गए पक्का, ये पहला गवर्नर है। अब जो कंपनी आई तो कंपनी का मुखिया कहलाता है गवर्नर, कंपनी का मुखिया, आवाज नहीं आ रही है। तो जब पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो इसका पहला गवर्नर आया अल्मीडा, क्या आया, अच्छा इसके पहले भी गवर्नर आए, लेकिन गवर्नर आने के पहले कंपनी नहीं आई थी, पहले ही आए थे अकेले अकेले परमिशन लेने, अतः इन्हें गवर्नर का वो पावर नहीं, हम पढ़ते हैं कि ये व्यक्ति है वो आए घूम ले, पता करने आए, सुन रहे हो, लेकिन बतौर कंपनी को गवर्नर कौन आया, अल्मीडा, कौन आया, आवाज नहीं आ रही है, आगे बढ़े, अल्मीडा आया, अल्मीडा ने पता लगाया कि अपन पुर्तगालियों का शासन यहां कैसे स्थापित करें, कैसे व्यापार करें। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ये पहले दो तीन अलग अलग कंपनियां थी, बाद में मर्ज हो गई
और फाइनल कंपनी बन गई ईस्ट इंडिया कंपनी। ये 1600 में आई, ये देखो 1498 पुर्तगाली कब आ गए आया ना। और इनका आया आदमी कौन, थॉमस रू, याद है? एक पहले आया था फ्रेंच, फिर कौन आया, थॉमस रू आया नहीं आया, आया है। और आगे बढ़ी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, यहां पर आया विर्नेस ओ। ये देखो जरा डच कहां आ गए, हॉलैंड के हैं, और इनने कहा नहीं आ रही आसम में, बात समझ में आ रही है? फिर से याद करो, यहां से प्रश्न बनता है, कल पुर्तगाली आए, इनने अपना पहला स्थान कहां चुना, बोलो यार, कालीकट। फिर कौन आए, अंग्रेज। अब देखो जरा पहले आए कौन, देखो जरा अब आप एक बार आप एक भ्रम में आ गए होंगे, देखो 1600 आप एक भ्रम में आ गए होंगे कि यहां पर सर आपने पहले पुर्तगाली पढ़ाया, फिर डच पढ़ाया, फिर ब्रिटिश पढ़ाया, तो जब आप आगमन पढ़ा रहे हैं तो आप कह रहे हैं पुर्तगाली है फिर ब्रिटिश है। देखो व्यक्तियों के आने का क्रम अलग है और कंपनियों के आने का क्रम अलग है, भाई कोई व्यक्ति तो आ गया लेकिन कंपनी आने में टाइम लग गया। अब बात समझ में आ गई है कि नहीं आ रही है, आ रही है? तो व्यक्तियों के आने का सबसे पहले पुर्तगाली आया, नहीं आया कौन, वास्को डी गामा, कौन आया, फिर कौन आया, डच, फिर कौन आए, ओके देखे। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आ गई, सूरत, सूरत में आई 1600 में। आगे वाले डच ईस्ट इंडिया कंपनी हॉलैंड की है, अरे क्लियर है, कहां पक्का नहीं आ रही आसम में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहां आई, मछलीपट्टनम आई है, कहां ये बोलो, फिर एक आई है डेनिश, ये कहां के हैं, डेनमार्क, ये भारत का एक स्थान है, सूता नदी, कई जगह सूता पानी भी लिखा है, क्या लिखा है, ओके, ये सूता नदी एक स्थान है और इसका गवर्नर आया था डी हस्तमान, कौन, आवाज नहीं आ रही है पक्का, फिर कौन आए, फ्रांसिस, कौन आए, 1664 में आए, कहां आए, ओके, अभी सूरत में एक और बड़ा था, ब्रिटेन भी कहां है, सूरत, फ्रांसिस भी कहां है, इसलिए सबसे ज्यादा युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के हुए क्योंकि दोनों का टारगेट एक ही था, दोनों का स्थान एक ही था, सुन रहे हो, इसलिए सबसे ज्यादा युद्ध कौन के बीच हुए, अंग्रेजों हो हाया ना, इसलिए अंग्रेजों ने भी अपनी पहली कोठी सूरत में बनाई। और बोल रहे हो बेटा, बोल रहे हो, हमें भी माहौल नजर नहीं आ रहा, हम चाय पी करके आ रहे हैं, अगर बहुत अच्छा माहौल हमें नजर आएगा तो हम मेहनत करेंगे। एक्चुअली मात्र हिस्ट्री नहीं, यहां से बहुत अच्छी बातें आपको जानने मिलेंगी, जी के बहुत अच्छा जानने मिलेगा। कई बार पेपर में लिखा नहीं रहता कि हिस्ट्री आएगी, लेकिन हिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कारण यह है कल तक जो निकल चुका वो सब हिस्ट्री है, गलती जो कल तक सूत्र बन चुका वो नहीं आ रही आसम में, कल तक जो वैज्ञानिक हो चुके रही, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसलिए हिस्ट्री से आते हैं। आपके पास 2 मिनट है, अच्छा बढ़िया दिमाग बिल्कुल सेटल करो, पढ़ना नहीं है अभी आपको, नहीं पढ़ना है, पढ़ना है, बढ़िया मूड बनाओ और फिर बहुत अच्छे से घर में आए तो हमें माहौल मिलना चाहिए, ठीक है। 1 मिनट में चाय पी करके आ रहे हैं,
आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि कौन सी कंपनी ने अपना टारगेट पहला कहां बनाया है। क्लियर है? रिमोट उठा लेने आप पीछे से देखें, सॉरी देखें आप, सबसे पहली बात अपन को याद करना चाहिए कि पुर्तगाली चिंदे कंपनी कहां आई है। बोलो, लास्ट बार बोल रहे हैं, नहीं तो आज की छुट्टी कल बनेंगे अपन, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी कहां आई है? ओके, कालीकट आई है। नंबर दो कौन है? कहां? सूरत में आई है। यार फ्रांसीसी भी सूरत आई और अंग्रेज भी। ओके, डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहां आई है? और इनके गवर्नर का नाम है वर्मच को। डेनिस कहां है? सुल्तानती डी हसमान है, बी सॉरी फ्रांसीसी कहां है? सूरत। और एक कार्ल वाइट मार्टिन। ओके, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहां है? गोहन वर्ग। चलिए आते हैं पुर्तगाल, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वन है, आवाज नहीं आ रही है जब खिंचके बड़े सारे लोग। अच्छा माहौल बना दिया एक बार, ठीक है। सबसे पहले कौन आए हैं? अब देखें, 20 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक यानी गाइड की सहायता से, जो गुजरात का गाइड था उसका नाम था अहमद इब्न मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर इस बंदरगाह यानी कालीकट पर पहुंचा। समझ में आ रही बात? सार यह है कि 1498 में सबसे पहले एक पुर्तगाली नाविक, जिसका नाम क्या है बोलो, अरे क्लियर है, भारत पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की। अब भारत पहुंचने का मार्ग पहली बार किसी विदेशी को मिला। ओके, देखे कालीकट के तत्कालीन शासक उस समय शासक हुआ करते थे जमोरिन, और इनने वास्को डी गामा का स्वागत, वास्को डी गामा भारत और पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में नए युग का प्रारंभ हुआ। क्यों हुआ? रास्ता मिल गया, रास्ता मिल गया। वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। यहां से भी मसाले ले लिया कुछ, सुन रहे हो? और वैसे भी हमारा केरल लोग मसालों के लिए प्रसिद्ध है, और 60 गुना ज्यादा फायदा उसने अपने देश में जाकर के जब मसाले बेचे तो 60 गुना ज्यादा फायदा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारी भी प्रोत्साहित हो गए कि चलो भाई हम भी क्यों ना कमाएं, ठीक है। भारत से व्यापार करने के लिए नया मार्ग खोजने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। सबसे पहले पुर्तगाली आए, उनने व्यापार किया, 60 गुना फायदा मिला, उनके देश में हवा फैल गई, उनके देश में फैली आजू वालों को भी पता चल गया कि भारत में अच्छा व्यापार है। चल तो पुर्तगाली नए भारत की खोज की। अब देखें, वास्को डी गामा ने अपनी यात्रा लिस्बन से आरंभ की थी, कालीकट शुरू कहां से करी थी? लिस्बन से। पहुंचा कहां? कालीकट। पहुंचा कहां? कब पहुंचा? 1498। कब पहुंचा? निकला कब था? 1497। निकला कब था? कहां से निकला था? पुर्तगाल का एक शहर है लिस्बन, क्या है? अरे क्लियर है? पहुंचा कहां? कालीकट। जमोरिन ने स्वागत किया। भारत से व्यापार से प्रस्थान करने का प्रयत्न करने वाली प्रथम, यानी इनके मन में पहले से था कि हम व्यापार करने जाएंगे और वहां पर हम शासन करेंगे, वहां पर हम कब्जा ठोकेंगे, और इन्हीं का देख करके अदर कंपनियों में भी लालच आ गया, अदर कंपनियों में भी। अरे क्लियर है? देखे बी अल्मेडा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर, डी अल्मेडा कह ले, डी अल्मेडा कह ले, ये प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था जो भारत पुर्तगालियों की ओर से आया। अब प्रथम पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा, लेकिन वो गवर्नर नहीं था, वो तो एक यात्री था, घूमते घूमते भारत आ गया। समझ में आ रही है बात? ओके, लेकिन पुर्तगाली कंपनी की ओर से कौन आया बोलो? ओके, सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया। इसके बाद आए, अच्छा ये पहला गवर्नर था डी अल्मेडा, लेकिन ये सत्ता स्थापित नहीं कर पाया, किसी भी राज्य को अपने अंदर में नहीं ले पाया। सुन रहे हो? अब कौन आए? सुन रहे हो? अल्बुकर्क। इस
जैसे ही भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तव क्यों, इसने क्या किया, इसने कब्जा करना शुरू कर दिया और इसका शासन भारत में चलने लगा। या शासन की दृष्टि से अगर देखें तो सबसे पहले है अलबू कुर्क, सुन रहे हो? अरे क्लियर है? पक्का? तो पहला कौन बना? डीएल मेडा। पहला पुर्तगाली कौन आया? वास्को डी। पहला गवर्नर कौन आया? डीएल मेडा। आया ना? लेकिन शासन स्थापित करने वाला आया ना? और पुर्तगालियों ने ही सबसे पहले भारत में शासन स्थापित करने का प्रयास किया, इनमें सबसे पहले हस्तक्षेप किया। अगर आ जाए कि भारत की राजनीति में, भारत के राजाओं के आपसी झगड़ों में सबसे पहले किन विदेशियों ने हस्तक्षेप किया, तो पुर्तगालियों ने। कौन है? ये चाहते थे एक का साथ देंगे एक को हराएंगे, जिसका साथ देंगे उसे गुलाम बनाएंगे। ओके, 1556 में प्रिंटिंग प्रेस आ गया। पुर्तगाली पहली व्यापारी कोठी कहां खोल दी? कोठी कहां? अरे क्लियर है? पहुंचे कहां थे? कालीकट। कहां? लेकिन कालीकट कहां? केरल के पास। तो इनकी पहली व्यापारी कोठी यहीं आसपास खुलेगी क्या? नहीं खुलेगी। कहां खुली? ओके, टारगेट बना कालीकट, कालीकट के पास का स्थान कोठी। ओके, पुर्तगाली खुद को सागर का स्वामी कहते थे, क्योंकि अभी तक किसी को सागर के रास्ते पता नहीं थे। इनने सागर के रास्ते खोजे, ये भारत पहुंचे, इनने समुद्री रास्तों पर कोशिश किया कि कोई यहां से घुसने ना पाए। ये कहते थे ये सारे समुद्र के स्वामी हम हैं। कौन? पुर्तगाल। सुन रहे हो? अतः इन्होंने अपने आप को सागर का स्वामी कहा। कौन ने? भारत में हीरे भी पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए और सबसे अंत में 1498 में आए और सबसे बाद में 1900 आया ना। देखे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, देखे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में सभी पुर्तगाली वायरस ड्राइवर के लिए। फ्रांसिस्को मतलब फ्रांसिस से संबंध नहीं है, अभी तो हम क्या बढ़ रहे? पुर्तगाली। क्या बढ़ रहे? फिर से एक अल्मीरा नाम का आ गया, इसलिए इसका पूरा नाम लिखना पड़ा, क्योंकि इसकी पहली गया था ना, पहले नाम भी अल्मीरा था। और ये वही व्यक्ति नहीं, ये दूसरा है, लेकिन किस्मत से दो नाम है अल्मीरा अल्मीरा मैच कर रहे हैं। सुन रहे हो? प्रथम पुर्तगाली वायसराय गवर्नर बनकर आया। व्यापार के रूप में महासागर प्रांत स्थापित करने का प्रयास करने के लिए अल्मीरा ने ब्लू वाटर पॉलिसी, एक ऐसी योजना बनाई कि कोई आदमी हमारे समुद्री रास्ते से भारत में प्रवेश ना करे। तो इसने ब्लू वाटर पॉलिसी एक नियम बनाया होगा कि यहां पर कब्जा कर दो, यहां सैनिक लगा दो, अंदर कोई घुसने ना पाए। तो इसे बोला गया ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या बोला गया? कौन ने बनाई? पुर्तगालियों ने। कौन ने बनाई? पुर्तगालियों ने। कौन ने? डी अल्मेडा। सुन रहे हो? देखें फिर देखो सेकंड नाम है, देखो जरा, इसने सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया था। देखो जरा, पहले कौन आए थे? पहले आए थे कौन? वास्को डी गामा। इन्हें रास्ता बता दिया। पहला गवर्नर कौन आया? अल्मीरा। कौन आया? अल्मीरा ने प्रयास किया कि हम कब्जा ठोक दें, अतः इसने अपने आप को सागर का स्वामी कहा और ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई, लेकिन ये भारत पर कब्जा ना कर सका। फिर आए आया ना? पक्का? भैया अलग अलग नाम है, अलग अलग बहुत पुराने नाम है, स्पेलिंग अलग अलग है, और वहां की भाषा अलग थी, तो इसलिए मिस्टेक आती थोड़े उच्चारण में। तो इसने क्या किया? सबसे पहली बात, इसने बीजापुर शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। पहली बार इसने गोवा पर कब्जा ठोका। कहां ठोका? आया ना? यानी भारत पर कब्जा करने वाला पहला पुर्तगाली बन गया। कौन? अब ओके, अतः इसने पहले पुर्तगीज माने पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। खोज का श्रेय जाता है वास्को डी गामा को। खोज का श्रेय किसे? आज आप लोगों में ताकत नहीं है मोर नहीं है बनने का, फिर ये माहौल क्यों नहीं बन पा रहा? बहुत अच्छा माहौल बोल रहे आप लोग, इसे घर में बन लोगे आप लोग तो हम छोड़ दें। चलिए आगे बढ़े,
दूरी एशिया, मलक्का, फारस की खाड़ी, मुहाने पर स्थित हरमुज अजमेर और समुद्र संधि वगैरह, ये पुर्तगाली का नाम बने हैं, ठीक है। कब्जा कर लिया नीनो डी कोन्हा, इसके बाद आया गवर्नर, नीनो डी कोन्हा आया गवर्नर रहा, इसमें कोई ज्यादा खास नहीं। अब तो सीधे मुद्दे की बात है कि यहां पर धीरे धीरे करके पुर्तगाली आ गए हैं और अब पुर्तगाली प्रवेश सफलता और असफलता। अब मुद्दे की बात यह है कि वहीं से वास्को डी गामा जमोरियन ने स्वागत किया है, फिर वही बात आई, अगला आया कौन, डुअलमेडा, इसने प्रयास किया। फिर तीसरी बात आती है क्या, इसने गोवा पर क्या कर लिया, राज कर लिया। इन्होंने जमोरियन को उसके सभी राज्यों में मुख्य कोचिन की राज्य में सहायता देना भी आरंभ कर दिया, क्योंकि उनकी प्लानिंग ही थी कि अपन को दूसरे बोलना है। और इस प्रकार भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया। अल्मीडा भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था जिसने भारत में रहा और भारत के पुर्तगाली राज्य को स्थापना करी, क्योंकि इसने गोवा पर कब्जा कर लिया। कहा कर लिया, पुर्तगाल के दक्षिण में एशिया के व्यापार की सुरक्षा करना। अब तो बता रही, सारी कहानी क्लियर हो गई है। उसका कहना था कि भारत के हिंदुओं को, हम आए हैं भारत के हिंदुओं को मुसलमानों से बचाने के लिए। ये चूंकि एक्चुअली ज्यादातर ईसाई थे, कौन थे, तो इनका टकराव ज्यादातर किनसे था, मुसलमानों से, क्योंकि हिंदू ईसाई और मुसलमानों की युद्ध से चल रहे थे। अरे क्लियर है, अतः इसने अदालत बनाया। उसके बदले में भारत के साथ वो कहने लगा कि हिंदुओं को हम बचाने आए हैं कौन से, और इसके बदले में हम भारत से व्यापार करेंगे। क्या करेंगे, पुर्तगाल के लिए एक, उसने कहा कि भारत पर केवल व्यापार करने का अधिकार किसको होना चाहिए, किसको, बाकी किसी को, दूसरे देश को अधिकार नहीं होना चाहिए। परंतु पुर्तगाली भारत में फाइनली क्या हो गए, असफल। तो धीरे धीरे करके दो चार छह स्थान छोटे छोटे इनके कब्जे में रहे, बाकी सारे स्थान इनके हाथ से चले। ओके, आपके पास 5 मिनट का टाइम है, जल्दी से रिवाइज करो। अंत में गोवा दमन द्वीप के अतिरिक्त उनके अधिकार में कुछ ना रहा और यहां से अब पुर्तगालियों का जो सिस्टम था वो खत्म। जल्दी रिवाइज करो, अब आ गए डच, जल्दी रिवाइज करो। और याद होना चाहिए, पहली बात तो वो सारणी याद करो, सबसे पहले पुर्तगाली आए, कालीकट आए, लेकिन पहली व्यापार कोठी कहां खोली, कोचीन, सुन रहे हो, ब्रिटिश आए थे कहां, सूरत में, हाँ है ना, उसके नीचे बस कहां आए, आए हैं, उसके बाद क्यों डेनिस आए हैं, सुल्तानत भी आगे चलो, क्यों फ्रांसीसी सूरत में आए हैं, फिनिश, ये कहां है, ओके फिर ओके, चलिए जल्दी रिवाइज करो, जल्दी करो रिवाइज, पुर्तगाली वाला पूरा मैटर। वही कहानी बार बार आ रही होगी, इसलिए कि टॉपिक अलग अलग है लेकिन कहानी एक ही है। चलो सामने आ जाओ, चलो लोग सामने देखो, अब कौन आ गए, डच, कौन आ गए, अच्छा डच का पता है आपको, क्या नहीं पता है, कहां रख के आ गया, डच कहां है, मछली बदलू नहीं आए हैं, 15 जन में कारने थी हस्तमान, देखो जरा हस्तमान गवर्नर आया था, दस का गवर्नर कौन था, नहीं है, बी हस्तमान है क्या, नहीं है, अब ये आए हैं भारत। अब इनने क्या किया, इन्होंने कुछ सिक्के चलाए स्वर्णिम पगोड़ा नाम से, कैसे,
हाया ना। लेकिन अब फाइनली अब वो डच आए तो डचों का ज्यादातर युद्ध अंग्रेजों से हुआ। कौन से हुआ? अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हराया, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया, अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं को हराया और फाइनली भारत पर अपना कब्जा ठोक दिया। सुन रहे हो? तो अब डचों को अंग्रेजों ने भारत से बाहर कर सॉरी अंग्रेजों ने डचों को भारत से बाहर कर दिया और ये युद्ध कहलाता है वेदरा का युद्ध। कौन सा युद्ध? आवाज नहीं आ रही है। कौन सा युद्ध? वेदरा का युद्ध कहलाता है। वेदरा का युद्ध कौन कौन के बीच हुआ? अंग्रेजों। अरे क्लियर है? कब हुआ है? 1759। कब हुआ है? जबकि याद हो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ है। यानी अंग्रेज मजबूत होते जा रहे हैं, अंग्रेज अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, जबकि बाकी कंपनियां धीरे धीरे टूटती जा रही हैं और वो कंपनियां भारत छोड़ने पर मजबूर हो रही हैं। तो 1759 ओके डचों के बीच हो, डचों के बीच हो, कौन सा युद्ध? बोलो, वेदरा का युद्ध। अंग्रेज जीते, डच हार गए और फाइनली डचों को भारत छोड़ करके। क्लियर है? इनने पहली कोठी कहां खोली थी? अब कौन आ गए? आवाज नहीं आ रही है। एक सुनी, अगर अंग्रेजों की टक्कर के कोई थे तो वो कौन थे? हाँ, सुनाई नहीं दिया। लेकिन इनमें एक ही कमी थी कि अगर इन्हें युद्ध करना था तो इन्हें ऑर्डर अपने देश से लेना पड़ता था। ऑर्डर जाने में और वापस टाइम लगता था कि अब क्या करें। लेकिन अंग्रेजों की एक नीति थी कि वो अपने गवर्नर को ही सारे पावर दिए थे, अतः अंग्रेजों को कुछ करना रहता था तो तत्काल निर्णय लेते थे और यही कारण था कि उस समय अंग्रेज सफल हुए। ओके, नहीं आ रही बात सुनने? आ रही है। तो अब देखे, बहुत पुरानी बात है। उस समय देखिए, लू चोदावा के मंत्री कालवट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। जब ये लू चोदावा है कौन भैया? यहां के राजा है। फ्रांस में राजा को कहा जाता था लुई। सुन रहे हो? अरे क्लियर है? वहां का सबसे पॉपुलर नाम है लुई। अब एक प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसे 14 हुए हैं। कितने हुए? ओके, फिर लू सोल हवा भी आएगा। ओके, अभी कौन की बात कर रहे हैं? लू 14 कंपनी प्रेस इंडियन ओरिएंटेड नाम से कहा फ्रांसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य इसका सारा खर्च देता था, यानी गवर्नमेंट के आधार पर हुआ। फ्रांसीसी केरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ। अक्सर में सूरत में कृषि व्यापारिक कारखाना का स्थापना किया तो फ्रांसीसियों ने कहा सुंदर, फ्रांसीसियों ने कहा ओके पक्का, चलिए कारखाना खोला। मरक्कारा गोलकोंडा सुल्तान के अधिकार प्राप्त किया। मसूलीपट्टनम में इनने दूसरी व्यापारिक कोठी खोली। इनकी दूसरी व्यापारिक कोठी कहा? जबकि मसूलीपट्टनम में प्रथम व्यापारिक कोठी कौन की थी? कौन की? कौन की थी बता दो बेटा, हल्दी पढ़ना। हमें मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में। कैसी पढ़ना है? कैसी पढ़ना है? एक आध दो कोई बलि का बकरा बनाए, ये बताओ। हमें लग रहा है ऐसा कि आप चाहते हैं कि सर एक आदमी दो छुरा उलट, पर देखो तुम कैसे हम पढ़ रहे। नहीं पढ़ना? आपकी छुट्टी करे करे छुट्टी, एहसान कर रहे हैं आज। देखो बेटा एक बात बता दे, अगर टीचर का मन टूट गया और उसे लगने लगा जिस दिन कि स्टूडेंट हमारी बात को ध्यान से नहीं सुन रहा, ये कचरा है और इसे मात्र व्यापारिक तरीके से बढ़ाओ तो यही चीजें बढ़ा देंगे हम। तो तुम्हारे आज तुम कहोगे सर ने कोर्स करा दिया, लेकिन जो इंटेलिजेंस में तुम्हारे हाथ कभी नहीं आएगी अगर तुम्हारा रवैया ये रहा तो। और इसमें ध्यान देना होगा अच्छे स्टूडेंट को। अच्छे स्टूडेंट हमेशा अच्छे स्टूडेंटों के साथ बैठे, अपने साथ गधेड़े व्यक्ति को एलिमिनेट करें यदि वह व्यक्ति शामिल नहीं है। क्योंकि ये सन आएंगे, स्थान आएंगे, राजाओं के नाम आएंगे, पुर्तगाली गवर्नरों के नाम आएंगे, अलग अलग गवर्नर आएंगे, उनके नाम आएंगे,
और अगर आपको लगता है कि ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो मुझे लगता है कि आप मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप पढ़ना बंद कर दीजिए। घर बन लोगे आप लोग, हिस्ट्री खत्म करते थे, तीसरा पाठ सरल हो गया। और मुझे लग रहा है ज्यादा सरल होने के कारण आपका मन नहीं लग रहा, नहीं लग रहा ना ऐसे मरियल टाइप, मरियल टाइप, मरियल टाइप बोलो जल्दी। चलो बात नहीं करके सीधा डंडा लगेगा, उठा ना लगेगा बताओ। हाँ तो दक्षिण ने अपनी व्यापारिक कोठी कहां खोली, करो व्यापारिक कोठी बताइए जरा। फ्रांसीसियों की पहली व्यापारिक कोठी फ्रांसीसियों ने कहां खोली, कहां खोली, याद आ गया? हाँ बैठो थोड़ा करो। हाँ मछलीपट्टनम में पहली व्यापारिक कोठी कौन ने खोली, कौन ने, फ्रांसीसियों ने मछलीपट्टनम में, जैसे हो नोट्स कहां है, तुम्हारू तुम्हारू बैठ, कौन सा है तुम्हारू पूरा इसका सामान तुम्हारू कौन सा लोग है निकल वो कार्ड जमा कर देना, सब कार्ड में भी लगा चलो। और कोई याद नहीं हुआ, लास्ट टू मिनट है आपके पास, फिर से एक बार बोलो कौन सा गवर्नर था, कहां कंपनी थी, नहीं तो ऐसे ही हालात होंगे आपके। ओनली केवल दो मिनट है आपके पास, ले लिया बड़ा घर। हाँ इधर और नाम क्या लिखते हो, राम कुमार, चलो ले लिया, कल से बेटा क्लास में लेना, कोई दूसरे क्लास जाने का ठीक जाओ। बोलिए बात, चलो आगे बैठो ना, और पीछे आए लोग आगे चलो। हाँ श्रीमान जी जान सकते हैं बेंच खाली होने के बाद यहां क्यों बैठे थे, क्यों ये बेंच खाली होने के बाद यहां क्यों बैठे थे, पहले बता दो ये बेंच खाली होने के बाद यहां क्यों बैठे थे, कारण क्यों, ये बेंच खाली होने के बाद यहां क्यों बैठे थे, ये बेंच खाली थी ना यहां क्यों बैठे थे, पीछे बैठना है प्रवचन तो नहीं, तुम्हारा पहला बेंच नहीं, ये बेंच खाली होने के बाद पीछे बैठने का रीजन, नाम नाम बैठना है तुम बाहर हो, नहीं एक बेंच और पीछे लगवा दे वो तो बैठो, नहीं तो सुनो बिल्कुल एक बेंच खाली ना रहे ऐसे बैठना, ध्यान रखना एक बात, अगर आगे की बेंच खाली और एक भी लड़का पीछे बैठा तुम तो बिल्कुल भगिया बिल्कुल ना पढ़ो, हमारे कोई टेंशन नहीं, केवल जिंदा लड़के लड़कियां पढ़ेंगे यहां, हो गया रे यार, आ गई आवाज, आ गई हलक के बाहर आ गई आवाज। कारण यह है कि लातों के भूत बातों से कभी नहीं मानते, और अगर तुम सोचो कि अपन अच्छे से कहो भैया थोड़ा सा एनर्जी वगैरह भीख से मांग रहे थे एक आप दो मंगा ले, अभी हलक के बाहर आवाज, तुम्हारी मजबूरी भी है एक बात याद रखना बेटा, क्योंकि तुम्हारे बात दमों में कोई नहीं है, बाकी सब घंटों लिए नहीं बढ़ा पाएंगे एक बात। दूसरी बात, अगर पढ़ना है तो फिर तुम्हें अनुशासन में रहना भी है, इसलिए अगर सफलता तक पहुंचना तो यही काम आपने 10 मिनट बर्बाद करा दिए, यही काम आपने दो बार मेरी रिक्वेस्ट मानी होती तो, जिनके पास नोट्स नहीं वो भी क्लास नहीं आएंगे, कल से क्लास आना बंद करेंगे वो लोग, जिनके पास रिवीजन के लिए कोई साधन नहीं है क्योंकि उन्हीं 10-12 लड़कों के कारण क्लास में एक जो कंट्रडक्शन आता है, जो अंतर आता है रिवीजन ना करने के कारण, दूध फट जाता है, एक बूंद मात्र अगर आप खटाई डाल दो, सुन रहे हो ना, आपका रिवीजन का साधन नहीं है, आप पैसा बचाइए, आपको हमारे आने की आवश्यकता नहीं है,
आपको लगता है सर अनर्गल परेशान कर रहे, आप मेरी क्लास नहीं आएंगे। जिनके पास रिलीजन के लिए साधन नहीं है कल से क्लास बंद, बाकी लोग बने। ओके यस सर। पहली कंपनी कौन आई? आई है पुर्तगाली कंपनी आई है। व्यापारिक कोठी कहां बोली? पहले आई कालीघाट और कोठी बोली कहां? और पहला गवर्नर तो फरंगिया अलमीरो। फिर क्लियर है? पहला फ्रांसीसी आया वास्को डी गामा, फिर गवर्नर आया अलमीरो, और अलमू करके ने क्या किया यहां पर? गोवा पर कब्जा किया? नहीं किया है। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोठी कहां बोली? सूरत। फ्रांसीसी दक्ष ने कहा? कहो। अरे क्लियर है? मसौलीपट्टनम में बोली है। क्लियर है? नहीं बनेगा? बनेगा या नहीं बनेगा? तो यहां से अब देखो जरा क्या हुआ। यहां पर हम पढ़ रहे थे फ्रांसीसी, क्या पढ़ रहे थे? अब देखना जरा, फ्रांसीसी का एक गवर्नर था डुप्ले, क्या था? इसने कई नीतियां बनाई और इनकी नीतियों का भी अनुसरण कर लिया। कौन ने? अंग्रेज। कौन ने? अरे क्लियर है? अब देखिए, रात दरबारों में अपनी सेना नियुक्ति करने फ्रांसीसियों ने चाल चली थी कि हमारी सेना सबसे पहले, फ्रांसीसियों ने चाल चली कि हमारी सेना रात दरबारों में लग जाए। ओके ये थी सहायक संधि। क्या थी? हम तुम्हारी सहायता करेंगे तुम हमारी सहायता करना। ये बनाई थी डुप्ले ने। कौन है ये डुप्ले? कौन था? फ्रांसीसी गवर्नर था। लेकिन जितना डुप्ले प्रयोग कर पाता उससे ज्यादा प्रयोग कर लिया अंग्रेजों ने। कौन है? सुन रहे हो? देखो माहौल देखा आपने, स्वयं अपनी आवाज देखी। लेकिन कब? कब? सच बताना। आदमी कहते हैं बिल्कुल स्पष्ट बताना, कितनी बार मैंने रिक्वेस्ट वाले फॉर्म में ये बात बोली थी, एक का कनपट्टा फूटा, एक का बस्ता फेंका, हलक में जान आ गई। हाँ यार सर हैं, अब लग रहे गए हैं। नहीं तो अभी तक तुम लोगों को लग नहीं रहा था कि सर खा लोगे, अभी लग रहा था। बताओ जी निवेदन टाइप कर रहे हैं जी, तो उन निवेदन से कभी कोई चीज नहीं मिलती। चलो आगे बढ़ते हैं। पहली बार यूरोपीय हितों में भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया, यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी, फ्रांसीसियों द्वारा प्रथम व्यापारिक कोठी कहां खोली गई? ओके और फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को अपनी राजधानी बनाया। अभी पुर्तगालियों ने कहां बनाया था? गोवा। कहो। ओके फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी राजधानी कहां बनाया? अरे क्लियर है? और पहली व्यापारिक कोठी कहां आई है? ओके अब भारत में कौन आ रहे हैं? अंग्रेज। कौन आ रहे हैं? अब 1599 यानी 1600 लगभग लगने वाला है, और एक कंपनी की शुरुआत इंग्लैंड में हो गई है। ओके नहीं आ रही बात सुनिए, मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से। और अब इनकी महारानी ने इन्हें 15 वर्षों के लिए पूर्व की ओर, 15 वर्षों के लिए, बाद में दिया 20 वर्षों के लिए। सुन रहे हो? एक आज्ञा पत्र दे दिया कि आप जाकर के व्यापार कर सकते। ओके सो ये लोग पहले जहांगीर के दरबार में, सॉरी अकबर के साथ परमिशन नहीं मिल पाई, फिर फाइनली जहांगीर। हाँ या ना? अकबर के साथ आया था रॉबर्ट फिंच। हाँ या ना? फिर थॉमस रो और विलियम हॉकिंस नहीं आए थे? देखे कंपनी ने 217 सदस्य थे, एक गवर्नर थॉमस स्मिथ था, और रानी एलिजाबेथ ने से कंपनी को व्यापार करने का अधिकार दिया, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने से पूरे के साथ व्यापार करने 15 वर्षों का अधिकार पत्र दे दिया। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर, जब वहां कंपनी बनी तब अकबर था, लेकिन अकबर के समय कंपनी भारत नहीं आई। ओके अकबर के समय कंपनी भारत, क्लियर है?
अब इसके बाद देखें 1609 में कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आया। देखो जरा, नहीं आयो पक्का? कौन कौन थे? थॉमस रो, क्लियर है? विलियम हॉकिंस के लिए, कैप्टन हॉकिंस के लिए, कासिम बाजा की फैक्ट्री पर जॉब छोड़ नगने अंग्रेजों के व्यापार कैंप के लिए हुगली के स्थान पर सुतानूती अथवा सुतनोती कलकत्ता का स्थल को चुना। इनने हुगली के बाजू में एक स्थान चुना कि हम यहां पर कोठी खोलेंगे, और धीरे धीरे करके वो कलकत्ता में तब्दील हो गया। कायम हो गया? अरे क्लियर है? नहीं आ रही वासन में? ओके। कंपनी ने स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। जहांगीर की ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1611 में मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना कहा? हरियाणा। जबकि सूरत में इन्होंने अपना स्थाई कारखाना स्थापित किया। तो स्थाई को भी कहां बोली? फ्रांसीसियों ने भी सूरत में, अंग्रेजों ने भी। ओके। फ्रांसीसियों ने अपनी राजधानी बनाई पांडिचेरी, लेकिन याद रखिएगा अंग्रेजों ने अपनी राजधानी पहला नंबर लगाया कलकत्ता। क्या? ओके। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1600 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 में वार्षिक किराए पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी को दे दिया। अब क्या किया? पहले डच आ चुके थे, फ्रांसीसी आ चुके थे, अंग्रेजों ने एक चाल चली कि इनसे किराए पर लेना शुरू कर दिया। जहां जहां पर इनका जरूर ये लिखा, सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा कौन पर किराए पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी को दे दिया। इन लोगों ने अपना किराया लिया और कह दिया व्यापार तुम करो, हमें तो इतने पैसा। बस यही बात तो आदत डालना थी अंग्रेजों को। yes, सुन रहे हो? yes, अंग्रेजों ने पहले आदत डाली, राजाओं को आदत डाली पैसे की, कि तुम क्यों टैक्स उगाने में पड़े हो, हमसे खट्टा लो। जनता से टैक्स कौन उगाएंगे? हम। उन्हें एक आदत डालना थी कि जनता में भय कौन का रहे? अंग्रेजों का। कौन को? तो उनने यही पॉलिसी पहले राजाओं को इकट्ठा दे दिया, फिर उगाने लगे, फिर उगाते उगाते जनता उन्हीं को देने लगी, इनका कम कम और कम बंद। ये अंग्रेजों ने चाल चली। समझ में आ रही बात? हाँ या ना? देखे, मुंबई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने इसी में मुंबई और पश्चिमी समुद्र पर मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला और मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बना लिया। अतः एक बार औरंगजेब ने अंग्रेजों को भारत से बाहर धकेलने का प्रयास किया। कौन ने? आवाज नहीं आ रही है? लेकिन वो बात उतनी ज्यादा सफल नहीं हो पाई और फाइनली अंग्रेज भारत में बने रहे। फलस्वरूप अंग्रेज औरंगजेब ने भारत में निष्कासित करने का आदेश दिया। सबसे पहले अंग्रेजी कंपनी की स्थापना 1660 ईस्वी में हुई। भारत में बात कर रहे हैं, नहीं तो वहां तो हो गई थी 1599। हाँ ना? इसी कंपनी सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में एक व्यापारिक संधि करने के लिए भेजा था। ये भैया जो 1560 है, ये डेट कलेक्ट कर गई है, आप सुधार लेना। इसकी स्थापना ये लाइन ही काट दो आप, एक्चुअली ये लाइन है 1599। ओके, ठीक है। अंग्रेजों को इस कारण सफलता नहीं मिल सकी। धीरे धीरे सूरत, आगरा, अहमदाबाद, बंबई, पटना, कासिम बाजार, राजमहल, कलकत्ता आदि ने व्यापारिक केंद्र स्थापित की। 1698 में अंग्रेजों ने एक अन्य व्यापारिक कंपनी की स्थापना की। बाद में 1700 आते आते दोनों कंपनियों को मिला दिया और फाइनली नाम बन गया ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या बन गया? और ये ईस्ट इंडिया कंपनी ज्यादातर अपना टारगेट बनाया बंगाल को। कल को बनाया? ओके। 1717 आते आते मुगल बादशाह फर्रुख सियर से इनने ऑर्डर ले लिया। फर्रुख सियर था ना? नहीं था। उसने ऑर्डर ले लिया कि हम व्यापार कर सकते हैं। इसने ऑर्डर दे दिया, न केवल उन्हें व्यापारिक लाभ हुआ बल्कि अपने अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें साम्राज्य विस्तार में सहायता मिली। इस फरमान के द्वारा कंपनी को मुगल बादशाह को 3000 रुपए वार्षिक देने के बदले हैदराबाद, गुजरात, बंगाल में बिना कर दिए हुए व्यापार करने का अधिकार मिला। जब एक अपने चाल वास्ते फर्रुख सियर को इकट्ठे के दे दिए 3000, कितने दे दिए? और कहा कि अब हम फ्री होकर के व्यापार करेंगे। और ये चुकी आलसी खोज विलासी टाइप के आदमी थे, इनने कहा भाड़ा में जाए, 1000 रुपया मिलता मिल जाए, तू व्यापार करना शुरू कर। ओके, देखे
जिससे अंग्रेज कंपनी बंगाल के नवाब से झगड़े शुरू हो गए। नहीं सुन रहे, औरंगजेब के बाद बंगाल में कहा गए नवाब, बंगाल के कहा गए यहां पर मुगल बादशाह बनाया भरोस यार। लेकिन औरंगजेब के बाद जो बंगाल के नवाब भी अपने आप को समझ रहे स्वतंत्र और भारत का सम्राट बोले फर्रुखसियार। अब ये अब अंग्रेजों ने ऑर्डर कौन से ले लिया? फर्रुखसियार। ओके, बंगाल में इनने व्यापार करना शुरू किया। अब बंगाल का नवाब समझता है कि बंगाल हमारा है और अंग्रेज कह रहे कि हम तो फर्रुखसियार से ऑर्डर लिए, हम तुम्हें काय का टैक्स दे। अतः नवाब के एरिया में बंगाल में ये फ्री व्यापार करने लगे। अतः अंग्रेजों का और बंगाल के नवाब का युद्ध होने लगा। तो पहला युद्ध हुआ 1757 में। कब वो? अरे क्लियर है कौन सा युद्ध था? हाँ या ना? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। कौन के बीच? अरे क्लियर है। देखें फ्रांसिस हुआ अंग्रेजों। अब एक तरफ अंग्रेजों को भारत के लोगों से लड़ना था और एक तरफ वो डच को तो बाहर कर दिया उन्होंने, एक तरफ पुर्तगाली है और सबसे स्ट्रॉन्ग बीच में घुस रहे हैं फ्रांसिस। कौन घुस रहे हैं? अरे क्लियर है, फ्रांसिस चाहते हैं हमारा कब्जा हो जाए और अंग्रेज चाहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जब अंग्रेजों का युद्ध मैसूर राज्य से हुआ, याद है? नहीं याद है? हैदर अली, टीपू सुल्तान, तो फ्रांसीसियों ने उनका साथ दिया। फ्रांसीसी उसके मित्र बन गए, अंग्रेज विरोधी बन गए। सुन रहे हो? अतः वो युद्ध याद ना आपको, मैसूर युद्ध, आंगल मैसूर युद्ध? नहीं याद है? 10-10 साल के अंतर से। कब से शुरू? 1769 में। कितने जोड़े? 11, 80, 9 जोड़े, 99। याद है? और इस युद्ध में फ्रांसिस उनका साथ दे रहे थे। तो अंग्रेजों को सबसे बड़ी अड़चन कौन सी थी? यानी अंग्रेज चाहते थे कि फ्रांसिसी भारत से कहा हो जाए बाहर। ओके, देखें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक युद्ध कौन कौन के बीच हुआ? अंग्रेज हो हाँ ना, जबकि वेदरा का युद्ध हुआ था अंग्रेज और डचों के बीच। नहीं हुआ था? आंगल मैसूर युद्ध हुआ था अंग्रेज और हैदर अली के बीच। दूसरा भी हुआ था अंग्रेज और हैदर अली के बीच। तीसरा युद्ध हुआ था अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच। चौथा हुआ था अंग्रेज और टीपू सुल्तान। याद आयो? नहीं याद आया? पहले में संधि हुई थी। कौन सी संधि? कौन सी? मद्रास की। दूसरे में मंगलोर। मद्रास, मंगलोर, रंगपट्टनम। हाँ या ना? और तीन संधियों के बाद चौथे में टीपू सुल्तान मृत्यु हो गई 1700। ओके, ऐसा याद करना है आपको, फिर देखिए आप कैसे सिलेक्शन नहीं होता आपका। देखिए वांडीवास का युद्ध 1760 फ्रांसीसी अंग्रेजों के बीच हुआ, फ्रांसीसी हार गए। वेदरा का युद्ध सुन रहे हो? अंग्रेजों और डच के बीच। अभी बड़ा था बन नहीं, कब कब हुआ है? 1700 नहीं हुआ है? 1700 अंग्रेजों के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था। 1757 में इन्हें बंगाल पर कब्जा होगा। हाँ, 1759 इनमें डचों को बाहर धकेला और 1760 फ्रांसीसियों को बाहर धकेला। समझ नहीं आ रही बात? अरे क्लियर है? देखें अब यहां पर आंगल फ्रांसिस युद्ध दुगो जरा, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध। अब ये थोड़ा सा आप पढ़ते रहिएगा। निर्णायक युद्ध, इसे कौन कौन से युद्ध थे जिन्हें भारत में निर्णायक युद्ध कहा जाता है? देखना जरा इंपोर्टेंट। यूरोपीय कंपनी का प्रारंभ 1486, 1498 पुर्तगाली,
वास्को डी गामा की दूसरी भारत यात्रा 1510। ये देखो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ये आप लोग पढ़ते रहिएगा। अब देखें ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश भारत। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर, अब गवर्नर ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर क्या कहलाता था? गवर्नर कहलाता था जो कंपनी का बॉस था। जब कंपनी भारत आई तो उसका ऑर्डर चलता था केवल और केवल उसकी कंपनी पर। फिर उसने कहां करके ढोक दिया? बंगाल। तो उसी गवर्नर का ऑर्डर कहां चलने लगा? अतः वह कहने लगा बंगाल का गवर्नर जनरल। सही है। धीरे धीरे उसका ऑर्डर कहां चलने लगा? अब क्या कहने लगा? भारत का गवर्नर जनरल। अभी तक कंपनी थी। अब क्या हुआ? 1857 में हो गया युद्ध। तो वहां की जो महारानी थी उन्होंने कहा नहीं, कंपनी अपनी कर रही है, कंपनी को हटाओ, कंपनी अलग करो, अब शासन हम करेंगे वहां। नहीं यार, जिन्हें संविधान पढ़ा उन्हें पता है रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट नहीं पढ़ा है? अरे पढ़ा है, ठीक है। तो यहां पर कंपनी का कार्यकारी प्रमुख था गवर्नर जनरल, कंपनी का भी कार्यकारी प्रमुख और साथ में प्रशासन का प्रमुख गवर्नर जनरल, फिर वायसराय। ये वो व्यक्ति था जो 1857 के बाद अब कंपनी का ऑर्डर नहीं, एक्चुअली ये लेता था राजा और रानी का ऑर्डर। समझ में आ रही बात? yes, भारत में सत्ता स्थापित कौन की गई? ब्रिटेन के राजा और क्लियर है। गवर्नर जनरल महात्मा बंगाल का प्रथम गवर्नर। पहले ये रॉबर्ट क्लाइव क्या था? सुन लीजिए, रॉबर्ट क्लाइव पहले केवल कंपनी का गवर्नर था। पहले केवल, हा या ना? लेकिन धीरे धीरे, लेकिन अभी शब्द जुड़ा है गवर्नर। क्या? यानी इसके पास मात्र सैनिक मामले हैं, इसके पास अभी सामान्य मामले, यानी पूरा प्रशासन इसके हाथ में। अब आएगा बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन। अब यहां गवर्नर शब्द खत्म हो जाएगा और इसी वारेन हेस्टिंग्स को सारे अधिकार मिल जाएंगे, पुलिस के भी, शिक्षा के भी, कोई काम होना है इसके ऑर्डर से होगा। तो अब ये कहलाएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। क्या कहलाएगा? आ गई बात समझे भाई? पहले क्या है? कंपनी का गवर्नर। कंपनी का गवर्नर कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। कौन है? अब वही बन गया है बंगाल का गवर्नर। क्या बन गया है? अब ये गवर्नर जनरल नहीं बना, अब आएगा रेगुलेटिंग एक्ट। क्या आएगा? वहां से ऑर्डर आएगा और उस समय गवर्नर होगा वारेन, और उससे कहा जाएगा कि अब तुम गवर्नर बस नहीं, कहा बन गए हो? गवर्नर जनरल। ओके, अब बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भारत, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम ब्रिट। ये अब अकेले बंगाल का नहीं, अब शुरू होना है पूरे भारत का। तो इसी को चार्ज मिलेगा पूरे, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनेगा? क्लियर? कंपनी का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेकिंग को, और अब भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। अब यहां से ये कैनिंग जो है, अब इससे कहा जाएगा तुम कंपनी के आदमी नहीं हो, कौन के हो? राजा और रानी के। तो अब इसे कहा जाएगा वायसराय। क्या? क्या कहा जाएगा? तो अब यही बनेगा भारत का प्रथम वायसराय। क्या बनेगा? कौन बनेगा? लॉर्ड। अच्छा, अब भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। सुन रहे हो? पक्का? और यहां से फाइनली अंग्रेज चले जाए। लेकिन आजादी के बाद तक ही आदमी रहा है, जब तक भारत की स्थिति संभल नहीं गई। ओके,
और आगे स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल माउंटबेटन चले गए। कौन आ गए? ये रहे 50 तक। 50 में हमारा संविधान बन गया, और जैसे संविधान बना तो गवर्नर पद क्या हो गया? समाप्त हो गए। और अब होने लगे चुनाव। कहा होने लगे? सुन रहे हो? आपके पास 2 मिनट का टाइम है। अब जब स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगुरु बालाचारी, अब हम रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे और एक एक गवर्नर के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो डच चले गए, फ्रांसीसी आया ना, चले गए मतलब कमजोर बढ़ गए बहुत, आया ना, तो धीरे धीरे करके केवल कौन रह गए? तो हमें मोस्टली कौन के बारे में पढ़ना पढ़ना है? अच्छा, अंग्रेजों ने सत्ता हासिल कब से करी? 1757 से। कब से? उस समय कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? तो हम रॉबर्ट क्लाइव से शुरुआत करेंगे। 2 मिनट का टाइम है, आप अपने मन में बिल्कुल परफेक्टली याद करिए कि पहला गवर्नर, अंतिम गवर्नर, गवर्नर जनरल करो, जिनके नोट्स नहीं होते वो बहुत क्लास में वो करते हैं, आप नाटक याद होता नहीं है।
चलो अब यहां देखना जरा, ये याद हो गया आपको? आप बिना देखे आपको अच्छा मेमोरी में रहेगा? अच्छा बताइए कंपनी का गवर्नर जोरदार आवाज ओके कंपनी का गवर्नर एक बात, फिर बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव है, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन? हमें आवाज नहीं आ रही ओके पक्का और ये वॉरेन हेस्टिंग्स कौन है? गवर्नर जनरल है। उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग कौन है? फिर वायस राय भी कैनिंग है। अंतिम गवर्नर जनरल अंग्रेजों का अंतिम गवर्नर जनरल है माउंटबेटन। भारत का प्रथम है श्री राजगोपालाचारी। याद नहीं हुआ क्या? हो गया है। रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों है? इसने ही अंग्रेजों को सत्ता स्थापित करके दी है। इसी ने 1757 प्लासी का युद्ध लड़ा, इसी ने डचों को बाहर किया, नहीं किया है ओके। 1759 में डच बाहर, 1760 में फ्रांसीसी बाहर, बांडीवास का युद्ध नहीं बड़ा है ओके। देखे रॉबर्ट क्लाइव कंपनी का गवर्नर बंगाल में द्वैत शासन प्रारंभ। इसने क्या किया? जब 1757 का युद्ध जीत गया तो इसने क्या किया? अपना नवाब बिठाला बंगाल में और उसने कहा कि हम क्या करेंगे, टैक्स हम उगाएंगे, तुम्हें खट्टा पैसा देंगे। तो टैक्स उगाना अंग्रेजों का काम है यानी कंपनी का काम है और बाकी मामले तुम आए हैं। मेरा शासन दो हाथों में, एक तरफ टैक्स उगाना अंग्रेजों के हाथों में, सुन रहे हो? टैक्स उगाना, अरे क्लियर है? और बाकी सारे मामले कौन के हाथों में? कोई न्याय कराने आए, कोई कहीं निर्माण होना है, कुछ होना, ये सारी चीजें नवाब क्या ओके? तो देखें बंगाल में द्वैत शासन कब तक चला? 1772 कब तक चला? अरे क्लियर है? अब देखो द्वैत शासन था क्या, ये शुरू कब हुआ? 1765। अब 1765 में क्यों? 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। कौन सा? याद आ गया? यानी 1764 के बाद फाइनली मोहर लग गई अंग्रेजों की। 1757 में शुरुआत, 57 में ओके, और 1764 बक्सर का युद्ध फाइनली थप्पा लग गया अंग्रेजों का ओके। 1765 में अंग्रेजों ने कह दिया कि टैक्स हमारा है, हम तुम्हें खट्टी पेंशन देंगे और बाकी मामले तुम्हारे ओके। और पैसा भी थोड़ा बहुत दो देते हो। द्वैत शासन करते शासन दो हाथों में, राजस्व सुनना अंग्रेज, शासन करना नवाब। मुगल बादशाह के एक फरमान आदेश द्वारा बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज कंपनियों को दे दी गई। उस समय जब पूरा बंगाल, बंगाल बिहार और उड़ीसा ये मिला के ओवरऑल बंगाल ही कहलाता था। सुन रहे हो? देखिए इसके बदले में कंपनी ने 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष मुगल बादशाह को देना स्वीकार कि हम तुम्हें कितना देंगे? 26। इस 26 लाख में जो नवाब था उसे निर्माण कराना है, उसे जो टोटल न्याय करना है, सारी चीजें काम करना है, कितने में ओके। तो टैक्स कौन लगा रहा है? कौन? तो शासन कितने हाथों में? ओके। अंग्रेज कंपनी सूबों के लिए मुगल बादशाह की ओर से दीवान बन गई। दीवान यानी टैक्स उठाने वाला। इस सूबों से लगान वसूल करने तथा असैनिक न्याय की देखभाल करने का अधिकार उसे प्राप्त हो गया। निजामत अर्थात शासन, शांति व्यवस्था, बाहर आक्रमण से रक्षा करना, फौजदारी न्याय करना बंगाल के नवाब के अधिकार में ही रहा। शासन को इन दो भागों में बांटकर विभिन्न शक्तियों के हाथों में दे देने के कारण ही इस शासन को दोहरा शासन कहा गया, अर्थात द्वैत शासन। क्या कहा गया? अरे क्लियर है? पक्का? वॉरेन हेस्टिंग्स। अब कौन आ गए? कब आ गए? 1700
और इन्हीं के समय आ गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 याद आया, और इन्हीं को बना दिया गया था बंगाल का गवर्नर जनरल। क्या बनाया गया था? अब अंग्रेज और मजबूत हो गए और इनने कहा कि नहीं अब गैर शासन समाप्त। इसका मतलब ये नहीं कि नवाबी को भी छोड़ा दे दिया, नहीं, जो नवाब के पास था वो भी छोड़ा लिया। नहीं आ रही बात, इनने कहा नहीं गैर शासन नहीं चलेगा, गैर शासन नहीं चलेगा, सिंगल चलेगा, और सिंगल कौन का? हमारा। ओके 1773 तक ये गवर्नर रहा, बंगाल का गवर्नर जनरल बना, कंपनी के अधीन पहला गवर्नर जनरल था, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता उच्च न्यायालय रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था उसमें ऑर्डर आया था कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दो और एक न्यायालय की स्थापना करो जिसे कहा जाएगा सुप्रीम कोर्ट। क्या कहा जाएगा? एक्चुअली ये कोर्ट लाया गया था इसलिए कि अगर कंपनी का कोई अधिकारी रिश्वत ले, अनर्गल काम करे और चोरी करे कंपनी में तो उस पर मुकदमा चलाओ। ये किन के लिए था? अंग्रेज अधिकारियों के लिए। कौन के लिए? वारन हेस्टिंग्स ने उल्टा कर दिया। इसने क्या किया? अपने अंग्रेज अधिकारियों पर केस नहीं चलाया, इस सुप्रीम कोर्ट में केस चलवा दिया। कौन के ऊपर? भारतीय राजाओं के ऊपर। और उन्हें 7-8 दिन के अंदर क्या दिलवा दी? फांसी। कई राजाओं को फांसी हो गई। समझ में आ रही बात? कितने दिन के अंदर? 7 दिन। ओके देखे भारत में आधुनिक न्याय। एक्चुअली भारत में कभी कोर्ट नहीं थे तो हालांकि ये कोर्ट अलग था और अब के कोर्ट अलग है, लेकिन भारत में पहली बार कोर्ट नाम शब्द आया, न्यायाधीश आया, तो इसलिए भारत की न्यायपालिका का जनक माना जाता है वारन हेस्टिंग्स को। कौन को? और एक किस ऑर्डर के तहत था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, 1785 फिट इंडिया एक्ट आया और इसमें इस्तीफा दे दिया। फिट इंडिया एक्ट क्या था? हमने संविधान पढ़ाया है कि गवर्नर अकेला फैसला नहीं लेगा, इसके लिए 4 सदस्यीय टीम आएगी। चलिए, इस कारण इस पर अभियोग चलाया गया लेकिन 1795 से आरोप मुक्त कर दिया गया और इंग्लैंड चला गया। वारन हेस्टिंग्स ने बंगाल के गैर शासन को 72 में समाप्त किया था। इसने 72 में यह सीट पर बैठो और गैर शासन खत्म। क्यों किया खत्म? क्योंकि यह चाहता था कि सारी सत्ता कौन के हाथ में आ जाए। ओके, तो गैर शासन शुरू कौन ने किया? कौन? रॉबर्ट क्लाइव ने। खत्म कौन ने कर दिया? पक्का? हाँ या ना? क्लियर है? अच्छा, 1757 प्लासी के युद्ध से अंग्रेजों को बल मिला और 1764 फाइनली बंगाल पर स्थापित हो गया राज्य। कौन का? अंग्रेज। नहीं बनेगा। ओके, चलिए क्या लिखा है? द्वैत शासन की समाप्ति कब हो गई? 1700 बोले यार, फिर गिन गिनाने लगे रे। 1772 में समाप्ति हो गई है, शुरू हुआ है 1763 में। शुरू कब हुआ है? 1763 में शुरू, 1772 में खत्म। शुरू किया है रॉबर्ट क्लाइव ने, समाप्त किया है। ओके, देखो उसने कहा कि सारे अधिकार सीधी बात हमें दे दो और तुम तो 16 लाख रुपया पेंशन लो और फ्री रहो। यह राशि पहले 53 लाख थी, फिर 41 लाख, फिर और कम हो गई तो 26 लाख, फिर और कम हो गई तो बोले 16 लाख, फिर और कम हो गई बोले तुम भी नवाब रहे यार, कोई दिक्कत नहीं। अब निजामत के अधिकारी छीन लिए गए, अब राशि केवल 16 लाख रुपया। नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा को लगा दिया गया, उसके एक्चुअली उसकी सेवा में नहीं लगाया गया, इसलिए लगाया गया वारन हेस्टिंग्स ने देखा कि इसको देखने ज्यादा खर्चा ना करे। समझ में आ रही है? ये हालत कर दी अंग्रेजों ने। इनका मन पत्र व्यक्तिगत जो है कि देखभाल करना था, इसी कारण से विधवा को उसने कार्य के लिए नियुक्त किया था। अब आ गए सर जॉन मैकफर्सन। पहले कौन आए? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव याद हो गया? एक एक चीज याद करना होगी आपको। देखिए, अदर स्टूडेंट में और सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट में कितना अंतर होता है। जो सामान्य स्टूडेंट होता है वो रीडिंग कर लेता है कि हाँ ऐसा है, वो पुस्तक बंद, दिमाग बंद,
सुन रहे हो? अच्छा एक बात हो, आप कुछ भी समझे, अड़ियल रवैया समझे, कुछ भी समझे, यदि आपके पास मटेरियल नहीं रहेगा आप क्लास में नहीं बैठेंगे। किसी भी चीज का मटेरियल आपके पास ना हो, आपके पास यदि गणित का प्रिंट आउट नहीं आप क्लास में नहीं बैठेंगे, आपके पास अगर इतिहास का नोट्स नहीं आप नहीं बैठेंगे। क्योंकि दिक्कत यह है कि अगर दो लड़के भी बिना नोट्स के बैठे हैं, उन्हें सन याद नहीं हो रहे हैं, तो वो हमारी क्लास को बेकार करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप मत पढ़िए। सर जॉन मैकफर्सन ये स्थायी गवर्नर था, अस्थायी था, अब कौन आ गए? लॉर्ड कार्जन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब क्यों इंपॉर्टेंट है लॉर्ड कार्नवालिस? क्या हुआ सुन लीजिए, 1757 अंग्रेजों का थोड़ा कब्जा, 64 आते आते बंगाल पर कब्जा, हाँ है ना? लॉर्ड क्लाइव द्वैत शासन, वॉरेन हेस्टिंग्स आए द्वैत शासन, और अंग्रेज का हो गए मजबूत। अब फाइनली वही टैक्स लगाने लगे, वही शासन करने लगे। तो अब शासन कैसे करना है, अधिकारी बनाना है, जिले बनाना है, जिलों के लिए कलेक्टर बनाना है, जिलों में कंट्रोलिंग रहे इसके लिए थाने बनाना है, ऐसा ना हो टैक्स देते समय जनता हावी हो जाए। समझ में आ रही बात? अब पूरे जिले का एक सूबा को जिला बनाना है, सुन रहे हो? और वहां का एक आदमी नियुक्त करना है जो अंग्रेजी गवर्नर को हिसाब देगा कि हमारे जिले से इतना पैसा आया। यानी अब सत्ता आ गई, तो अब सत्ता कैसे चलाएं, ये प्रॉब्लम है। समझ में आ रही बात? तो अब ये एक नया कानून लाया, कार्नवालिस कोड। क्या लाया? अब यहां से क्या होगा, अंग्रेज अलग अलग गवर्नर आएंगे अलग अलग समय पर, और वो टैक्स उगाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा आए, और पैसा उगाने में कम से कम परेशानी हो। परेशानी कैसी हो? कम। पैसा कैसा है? ज्यादा। सो कोई चलाएगा स्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। हमने और तुमने सेटलमेंट कर लिया, हमें इकट्ठे दे दो, तुम किसान से उगाते रहो। नहीं आ रही बात सुनने? जमींदारी प्रथा, जमींदार, तुम गांव के जमींदार, जब पूरी जमीन कौन की कहाई? तुम्हारी। तुम्हारे गांव में जितने किसान हैं, तुम उनसे टैक्स लो, जो किसान टैक्स ना दे उसे भगा दो, वो जमीन किसी और को दे दो। नहीं आ रही बात सुनने? हमारा यानी अंग्रेजों का और जमींदारों का परमानेंट सेटलमेंट, स्थाई बंदोबस्त, सुन रहे हो? और एक आए गवर्नर बाद में, उनने कहा एक काम करो, तीन कठिया प्रथा चलाओ। कोई और आए, उनने कहा महलवाड़ी प्रथा चलाओ। तो अंग्रेजों ने टैक्स ज्यादा से ज्यादा आए, और चाहे किसान खत्म हो जाए, और इसलिए भारत की कृषि खत्म हो गई। मूल रूप से जमींदारों के घर भर गए, जमीनें कौन की हो गई? जमींदार, हाँ है ना? अब यहां हुआ जो जमींदार बनाए गए, लंबरदार बनाए गए, ये प्रथाएं चली, जमीनें कौन के नाम करती गई? जमींदारों के। अब क्या हुआ, किसान के पास मान के चलो 5 एकड़ जमीन है, आधे से ज्यादा टैक्स देना है, बचा आधा, उसमें फसल की लागत है, उतना ही में फसल सूख गई, सो अंग्रेज तो अपना लेंगे ही लेंगे जमींदारों के थ्रू। अब घर में छोट गए, सुन का साहब कछु पैसा दे दो, घर में खावे नहीं है, उनने पैसा दे दे, ब्याज लग रहा। अब मूल को मूल आपका ब्याज, और ब्याज में साहूकारी ब्याज, आदमी तक खत्म हो जाए ब्याज खत्म नहीं होगा। सो ले दे के 2-4 साल में जमीन डूब गई। अब जमीन डूब गई कौन की हो गई? जमींदार, सुन रहे हो? जमींदार ने जमीन हड़प ली, लेकिन अभी मूल नहीं चुका, जो तो कर चुका ब्याज, अभी मूल बाकी है। तो अब उस मूल का जो ब्याज चलेगा, उसमें तुम हमारे खेत में करोगे हरवाई, उस खेत, अब हमारे खेत में तुम हरवाई करोगे,
और उसका हम केवल तुम्हें पेट भर खाना भी नहीं देंगे और हेगा चुपकाए में रहेंगे ब्याज। सो जोन के लिए तुम पक्ष लेते हो ना, लंबरदार हैं हमारे माल गुजार हैं, इनमें तुम्हारी पीढ़ियों को खा लिया है। ये जो कह रहे हैं ना, अब आपने सड़क पर देखे होंगे, हम ओबीसी के नेता हैं, हम फलानी जगह के रजवाड़े हैं, हम हिंडोरिया के राजा हैं, हम दतला के राजा हैं, हम सेमरा के राजा हैं, एक्चुअली ये राजा कम अंग्रेजों के दल ला जाना है। और इनमें तुम्हारे परिवार, हम तुमके परिवार जो आज हमारे पास 2 एकड़ जमीन नहीं है ना, आज हम जूझ रहे हैं, ये एक्चुअली इन्हीं की देन है कि हम लोगों के पास खड़े होने तक की जमीन नहीं। और इन लोगों के पास बोले हम 1100 एकड़ है, हमारे पास 1200 एकड़ है। तो जितने अंग्रेजों के दलाल थे सबके पास आज भी 1000 एकड़ जमीन है, 500 एकड़ जमीन है। वो जो अंग्रेजों के दलाल नहीं थे उनके पास नहीं है। और अब जो ये नेतागिरी करते हैं ना, कह रहे हम अपनी समाज के ठेकेदार, समाज का उत्थान करना है। अरे उत्थान इसलिए करना क्योंकि गड़ाया जैसे कीचड़ से निकालना है। अरे कीचड़ में गड़ाया किसने है? राजाओं ने, रियासतदारों ने। कौन है रियासतदार? जय माल गुजार, जय जमींदार, जय राजा साहब, जय दुआन साहब। कौन है दुआन साहब? जो अंग्रेजों के दल्ला थे, जो टैक्स उगाते थे अंग्रेजों का, जनता से लूटते थे और देते किसको थे? अंग्रेजों को। और भल लेते थे घर में, घर भर लिए। वे दुआन साहब हैं, वे लंबरदार हैं, वे महलदार हैं, रेलवे पवाड़ी पर था चलाने वाले हैं। तो जब आप इतिहास नहीं जानते, आप उन्हीं का अनजाने में साथ दे रहे हैं जिन्होंने आपका शोषण किया। आप अपनी समाज का नेता किसे बना रहे हैं? जिसके पास 500 एकड़ जमीन है। आपने कभी सोचा वो 500 एकड़ जमीन किसकी है? वो 500 एकड़ जमीन आपके बाप दादाओं की है। उनके बाप दादा राजा इंद्र से लेके नहीं आए थे, ऊपर से लेके नहीं आए थे जमीन। उस गांव में आपके बाप दादाओं की कोई की 5 एकड़, कोई की 7 एकड़, कोई की 10 एकड़ जमीन थी, जो आपके बाप दादाओं की ब्याज में डूब गई और उनके बाप दादाओं का भर गई। और अब उन्हीं लोगों को, उन्हीं महलदारों को, उन्हीं जमींदारों को तुमने अपने समाज का क्या बना लिया? नेता। तो आप बताना भी आएगा लाइट कार वाले नई योजना निकालेगा, है ना? चलिए, लाइट कार वाले आया, इसका 2 बार कार्यकाल चला। एक बार 1786 से 1793 हाँ, एक बार इसे ट्रांसफर होकर के फिर इंग्लैंड से आया, लेकिन दोबारा कार्यकाल में उसकी मृत्यु। लेकिन इसने क्या किया? समस्त अधिकार कलेक्टर को दे दिए, यानी इसने पहली बार कलेक्टर जैसा शब्द बनाया कि भैया हम एक सूबा बना दे रहे हैं। सूबा कहलाया जिला, सुन रहे हो? अच्छा, आपको पता है कि आज भी हम अंग्रेजों के शासन के तहत जी रहे हैं। आपने देखा होगा कलेक्टर के पास आज सारे अधिकार हैं। पुलिस का जो कलेक्टर है वो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? चाहे पुलिस का हो, चाहे डॉक्टरी का हो, चाहे शिक्षा का हो, सबसे बड़ा बॉस कौन है? ये अंग्रेजों ने प्रथा बनाई थी, ये जिला है, ये कलेक्टर है, इसको सारे पावर दे दिए कि चाहे पुलिस हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे मास्टर हो, चाहे कोई हो, सब तुम्हारी बात मानेंगे। क्यों? इसको सारे पावर क्यों दे दिए? तुम तो हमें पैसा उगा के दो, और अगर तुम्हें लगे कि ये आदमी पैसा नहीं दे रहा, पुलिस को ऑर्डर कर दो, गिरफ्तार करा दो, जमीन तहसीलदार को ऑर्डर कर दो, जमीन छड़ा लो। तो सारा पावर किसे दे दिया? तो कलेक्टर एक्चुअली था टैक्स कलेक्ट करने वाला। तो इसने ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये तो उसको पैसा को कलेक्ट करने के लिए योजना बनाई कि अब हर जिले में क्या होगा? हाँ ना, देखे कॉर्नवालिस कोड की स्थापना, इसने अपना ही कोड बनाया, कोड माने कानून, और 1793 में चलाया कॉर्नवालिस कोड, जो शक्ति पृथक्करण पर आधारित था। इसने अलग अलग अधिकारी बना दिए, शिक्षा के अलग, जमीन के अलग, सिंचाई वाले अलग, सबको अलग अलग पावर दे दिए। वो सुप्रीम पावर किसको दे दिया? कलेक्टर। किसको? हाँ ना,
उस समय कलेक्टर बनता था प्रमोशन के आधार पर, डायरेक्ट नहीं। कैसे? प्रमोट 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 होते होते आदमी क्या बन जाता था? ओके, देखिए जिला पुलिस थाना की सुन रहे हो, पूरे जिले में एक ही थाना, और वो भी काय के लिए, इसलिए कि अगर जनता विद्रोह करे तो समझ में आ रही है। और किस्मत की बात यह थी कि इस पुलिस में भर्ती भी ज्यादातर होते थे, कॉन्स्टेबल होते थे वो होते थे ज्यादातर भारत के, और जो एसपी होते थे वो होते थे अंग्रेज। सो बॉस रहते थे अंग्रेज और गुलाम कौन होते थे? भारत। और भारत के लोग भारत वालों पर अत्याचार करते थे। समझ में आ रही है? नागरिक सेवा का जनक इसने पहली बार ये जो कलेक्टर बनाए, जिस व्यक्ति को कलेक्टर बनाया, जैसे अभी होता है आपने देखा होगा कि अगर अभी वर्तमान में कलेक्टर बनना है तो आपको कौन सा यूपीएससी का एग्जाम निकालना पड़ेगा। ये कहला, ये भारत की सबसे बड़ी सेवा है, सिविल सेवा। क्या है? अरे क्लियर है? तो अब होने लगी है परीक्षा, वो आने वाले गवर्नर ने, बाद में गवर्नर आएगा मैं परीक्षा लेगा, अभी परीक्षा नहीं हो रही, लेकिन एक अलग विभाग बन गया है क्या? सिविल सेवा विभाग, और उसी को कहा गया है नागरिक सेवा। क्या कहा गया? लेकिन अभी परीक्षा नहीं, अभी तो आप नीचे से प्रमोशन, फिर प्रमोशन, फिर प्रमोशन, फिर प्रमोशन, और प्रमोशन होते होते आप कहां पहुंच गए? सिविल सेवा में। कहां पहुंच गए? और अगर आप सिविल सेवा में पहुंच गए तो आप कलेक्टर बन गए। क्या बन गए? तो सिविल सेवा का जनक कौन है? लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि सिविल सेवा में प्रतियोगी परीक्षा का देनदार है, नहीं आ रही बात सुनने, लेकिन सिविल सेवा और कलेक्टर पद ये कौन ने बनाए? बोलो यार। अरे क्लियर है? देखें स्थाई बंदोबस्त, अब इसने सभी कलेक्टर से कहा कि तुम स्थाई बंद परमानेंट सेटलमेंट करो, शिक्षक नहीं चाहिए, आप तो अपने जिले में, हमने तुम्हें जिला दे दिया, इसने पूरे भारत को जिलों में बांट दिया। सुन रहे हो? कलेक्टर से कहा कि तुम अपने जिले को छोटे छोटे रसूखों में बांट दो, और हर गांव का एक बना दो जमींदार। क्या बना दो? और उससे कह दो कि ये इतनी जमीन हमने तुम्हें दी, और तुम तो कहीं से लाओ, हमें तो टैक्स दो, तुम क्या किसान से लो चाहे ना लो। लेकिन वो कहां ठहरे कि नहीं लो, अंग्रेजों ने जितना कहा उससे और ज्यादा उगाने चले गए। समझ में आ रही है आप? और अंग्रेजों ने ये नहीं कहा कि ब्याज पे दो, वो ब्याज को भी देने लगे, और सारी जमीनें अंत तक कौन के हाथ में आ गई? जमींदारों के हाथ में आ गई। हाँ, जमींदारों के हाथ में आ गई, और धीरे धीरे किसान कम हो गए, मजदूरी करने लगे, और ब्याज के कर्जा के ब्याज में डूब करके उन्हीं अपने ही खेतों में मजदूरी करने लगे। समझ में आ रही है? अब स्थाई बंदोबस्त 1700 कौन ने शुरू करी? बोलो। अरे क्लियर है? अब देखें तो इसके आगे इसमें पढ़ना है, अब हम लॉर्ड गवर्नर वाली सीरीज बढ़ाएंगे बाद में, सीरीज तो आगे बढ़ना है, लेकिन जब जमीन की बात आई गई है और जब टैक्स की बात आई गई है तो कौन कौन से गवर्नर ने टैक्स उगाने के लिए कितने प्रैक्टिकल करे, हम इस बात पर ज्यादा ध्यान दे लें। हालांकि वो अलग अलग टाइम के गवर्नर हैं, देखें देखें ग्रामीण अर्थव्यवस्था, तो अंग्रेजों ने नीतियों को अपनाया तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे तोड़ा गया, ठीक है? हम फिर एक बात को टोक रहे हैं कि हमारे गवर्नर की सीरीज कहां बन रही है, लेकिन चूंकि बीच में टॉपिक आ गया है टैक्स उगाना, क्या आ गया है, तो किस गवर्नर ने किस तरीके से प्लानिंग बनाई टैक्स उगाने की, ये प्लानिंग हमें पढ़ना है, और कल हम इसे बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ये स्थाई बंदोबस्त के साथ साथ ये देखें जरा।
स्थाई बंदोबस्त, रैयत बाड़ी, महल बाड़ी और इसके बाद और रहेगा तीन कठिया। सुन रहे हो? ये अलग अलग गवर्नरों ने चलाई है। इसका भार अब ये पटवारी का वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैटर है। अब लोग कहते हैं सर ग्रामीण अर्थव्यवस्था बढ़ा दो। अरे भैया ग्रामीण अर्थव्यवस्था बढ़ाना है तो लॉर्ड गवर्नर बनाना है, लॉर्ड गवर्नर बढ़ाना है तो इतिहास बढ़ाना है, हम अलग से कहां बढ़ा दें? क्लियर है? सो ये जो टॉपिक चलना है कल, ये पटवारी परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अच्छा अब क्या होगा, हम आगे जो लॉर्ड गवर्नर बढ़ाएंगे सो बढ़ाएंगे, लेकिन अभी हाल हम टैक्स उगाने की प्रथा कौन ने स्थाई बंदोबस्त चलाया? ये देखो रैयत बाड़ी कौन ने, महलवाड़ी कौन ने, ओके और भी प्रथाएं आएंगी। अब किसान मजबूर हो जाएगा तो कई किसान आंदोलन होंगे, कई किसान तो इन्हीं बीच में हम बढ़ेंगे किसान आंदोलन। क्या बढ़ेंगे? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसी समय बस के नहीं, जब किसान आंदोलन बढ़ेंगे तो हम पूरे के पूरे आजादी तक के बढ़ेंगे। नहीं आ रही बात समझे? तो यहां से आपको ग्रामीण अर्थव्यवस्था, उस पर पड़ने वाला प्रभाव, कौन कौन सी प्रथाएं आई, सुन रहे हो? और हमने कहा आपसे कि इन प्रथाओं के बाद ये जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है इसको हम पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है? और किसान आंदोलन भी कल हम बनेंगे। और जब किसान आंदोलन कंप्लीट हो जाएंगे, हमारा ये सारी अर्थव्यवस्था कंप्लीट हो जाएगी। ये देखो किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन पढ़ने के बाद हम जस का तस अपनी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और फिर हम कंटिन्यू वहीं से करेंगे। हम नहीं आ रही बात समझे? यानी आपको ये भ्रम नहीं लाना है कि सर कहां आ गए और फिर वहीं से चालू हो गए। एक्चुअली हमने जहां बात चल गई, एक्चुअली टैक्स की बात चल गई, जमीन की बात चल गई, तो टैक्स और जमीन की बात पूरी होना चाहिए। ओके चलो, तो आज हमारी चर्चा यहीं तक रहती है, इसके आगे हम पढ़ेंगे कल। भैया सुनो, सारे लोग हाथ जोड़ करने मैदान है, ये बारीक चीजें पढ़ा रहे हैं, मटेरियल आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज हमारी और आपकी मेहनत दोनों की बर्बाद हो जाएगी। ओके चाल और दूरी का आपके आज के सवाल, आपको घर से एक एक सवाल करके आना है ताकि आज की स्पीड बनी रहे तो कल चर्चाओं में सवाल खत्म हो। सुन रहे हो? और जितने जल्दी आप गलत खत्म कर लेंगे उतने जल्दी हम रीजनिंग शुरू कर देंगे। ओके।